तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं सिलेक्शन। जी हाँ, सिलेक्शन का जो टॉपिक है आज की हमारी टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कैसे किसी डेटा को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी डेटा को कैसे हम मैं बिफोर किसी भी चीज को अप्लाई करने से पहले सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप पिवट नहीं लगाएंगे, आप फिल्टर नहीं लगाएंगे, कॉपी नहीं करेंगे, पेस्ट नहीं करेंगे, चार्ट नहीं करेंगे, एनीथिंग जो करने के लिए आपको सिलेक्शन जरूरी है। हेलो सर, डिवाइस ऑडियो सिलेक्ट कीजिए। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी फीचर अप्लाई नहीं करेंगे। तो सिलेक्शन में कुछ ट्रिक्स है, कुछ आप जानते होंगे, कुछ मेरे तरफ से कुछ ट्रिक्स है वो जानिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक हम डेटा सिलेक्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक हम डेटा को यूज करना नहीं सीखेंगे, उस पर किसी अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, या फिर उस करने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो चलिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं और मैं यहाँ पे अपना एक्सेल ओपन कर रहा हूं। रवि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। रवि जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर म्यूट है, अनम्यूट करें तो आपको सुन पाऊंगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा डेटा ले रहे हैं। हम बराबर आपकी क्लासेस में रैन बिटवीन फॉर्मूले का जिक्र करेंगे। रैन बिटवीन फॉर्मूला क्या करता है, रैंडम नंबर निकाल के देता है, एक पर्टिकुलर एरिया से एक रैंडम नंबर यहाँ पे शो करता है। तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया ताकि वैल्यू ना, अब इसी की सिलेक्शन की बात करें। अब इसी को आपको सिलेक्ट करना हो माउस से तो आप क्लिक करते हुए सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए अगर माउस से ही सिलेक्ट करना है तो स्टार्टिंग में सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए और शिफ्ट की को, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट की को होल्ड रखते हुए सबसे लास्ट में क्लिक कीजिए। ठीक है सर। अजय जी। हाँ जी सर। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और सिर्फ प्रेस करते हैं लास्ट में क्लिक कीजिए, जैसे कि आप यहाँ क्लिक करते हो, यहाँ क्लिक करते हैं कर्सर मूव होता है ना सर? जी 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 जी। प्रेस वे क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन बनते हुए आएगा। ओके। तो सिलेक्शन बनते हुए यहाँ पर आता है। अगर बात करते हैं हम इससे कीबोर्ड से, तो जनरली आप शिफ्ट के साथ एरो की यूज करते हैं जी। इसके भी कुछ सिलेक्शन पार्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। अब कंट्रोल ए तो हमने किया तो सिलेक्ट ऑल नहीं होता, सिलेक्ट करेंट रीजन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, नहीं सिलेक्ट सिलेक्ट कंट्रोल करेंट रीजन। यहाँ फाइनल सिलेक्ट में गो टू स्पेशल में एक करेंट रीजन होता है, इस करेंट रीजन को सिलेक्ट करेगा। आप लोगों से ऑल को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि आपके डेटा में कहीं भी बैंक रो या कॉलम नहीं है, इसलिए डेटा पूरा सिलेक्ट हो गया। जैसे ही डेटा में आप कोई ब्लैंक रो डालेंगे, आप देखिए आपका डेटा ब्लैंक रो से ऊपर ही सिलेक्ट होगा, नीचे सिलेक्ट नहीं होगा। अगर होता तो पूरा सिलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ आप देखिए, अगर कंट्रोल प्लस का सेम आपने कर दिया कॉलम में तो फिर कॉलम उधर ही करेगा, ब्लैंक कॉलम के बाद वाली कॉलम को सिलेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, कंप्लीटली ब्लैंक होना चाहिए। बीच में अगर कोई भी एक सेल में लिखा हुआ है तो सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करता है। जैसे कि मान लीजिए फालतू में कुछ इस तरह से डेटा लिखा हुआ है आपको, तो सिलेक्ट कर लेगा। अब बात करते हैं कर्सर मूव करने की।
जैसे कि यहाँ पे आपका कर्सर है और सबसे लास्ट में आपको जाना है, एकदम लास्ट में, तो कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो इस्तेमाल करेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएंगे। जी हाँ, इस पे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ सबसे लास्ट वाले एरो को यूज कीजिए। सबसे लास्ट वाला एरो यूज कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसी तरह से लेफ्ट राइट अप कर सकते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन बनाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो एंड डाउन एरो करेंगे तो आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा आपके हेडिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ये कहीं ब्लैंक हुआ तो फिर वो नीचे की तरफ सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। आपके पास डेटा बहुत है और आपके सेल में ब्लैंक भी बहुत है और आपको जो है डेटा सिलेक्ट करना है तो सेम इस पे क्लिक कीजिए और आप कंट्रोल इस पे सिलेक्ट किया आपने और आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड कर दीजिए। क्या सर? कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड हाँ, ये एंड बटन होता है ना सिस्टम में। जी 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 जी, लेकिन ध्यान रखिए ये यूज्ड सेल को करता है। किसको करता है? यूज्ड सेल। लाइक सर ब्लैंक जो है उसको भी को सिलेक्ट कर लिया इसने, क्योंकि जो तीन कॉलम अभी हमने यूज कर लिए है ना, इसलिए जी जी जी। तो ये यूज्ड सेल को सिलेक्ट करता है, यूज्ड सेल। क्लियर है सर? तो उसका एक तरीका है कि आप सबसे लास्ट में चले जाए, कर्सर रखे और कंट्रोल शिफ्ट होम यूज कर लो, कंट्रोल शिफ्ट होम, तो आपका डेटा सबसे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या एंड की कौन सा होता है जो 7 के ऊपर होता है? हाँ, ए एन डी एंड लिखा रहता है ना डिलीट के बगल में। डिलीट के बगल में सर, इसमें तो इंसर्ट और प्रिंट स्क्रीन हो रहा है। हाँ, इंसर्ट उसी के बगल में होम होता है, एंड होता है ना। नहीं मिला आपको? नहीं सर, लैपटॉप की है, यहाँ पे एंड की है। हाँ तो जो वही तो एंड है, जो एंड जो लिखा हुआ है ना एंड। ओके 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 ओके, उसी में होम लिखा हुआ है ना। समझ गया, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपने यहाँ पे कर्सर रखा और आपने एंड प्रेस किया तो कुछ मूवमेंट हो रही है सर? नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, यहाँ क्या लिखा हो रहा है? एंड मोड। अब एरो की मूव करते हैं, जैसे हमने डाउन किया तो सबसे लास्ट में चला गया। एंड मोड में अगर मैंने लेफ्ट किया तो लेफ्ट में चला जाएगा। तो मतलब कि आप अगर यहाँ एंड वाला बटन दबा देते हैं और उसके बाद अगर आप जो एरो की यूज करेंगे वो उसी के लास्ट वाले में चला जाएगा। समझे? समझ गया सर। एक सवाल रहेगा इसके बाद सर जी। लाइक सर, 19 में हम ना कहीं से डेटा ब्राउज करके लाते हैं, लाइक सीएसवी फाइल से डेटा ब्राउज करके लाते हैं और 2-3 फाइल से डेटा लाते हैं, तो जिस जिस फाइल से डेटा आता है उसके बाद वहां एक बैरियर सा बन जाता है कि सिलेक्शन उतना ही होता है, नीचे वाले रो में सिलेक्शन नहीं होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सर ऐसा क्या है ना, जैसे हम जैसे आप कह रहे हैं ना कंट्रोल और एरो का यूज करेंगे ना कि लास्ट रो में नीचे आ जाए, जैसे अभी कर रहे हैं सीधे अपना 24 नंबर रो में आ गया। सपोज दैट मैंने कोई डेटा ना ब्राउज किया सीएसवी फाइल से, अब इसी 24 नंबर रो के आगे मुझे नीचे दूसरा डेटा लगाना है, मैं लगा दिया, बट जब मैं सिलेक्शन पे जाऊंगा ना तो जैसे ही कंट्रोल और डाउन एरो का यूज करूंगा वो 24 नंबर पे आके रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, डेटा को टेबल मोड में रखते हैं कि नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं? सर उसको डायरेक्ट ब्राउज करते हैं सर 19 से, इसीलिए क्योंकि टेबल मोड में होता है सर। अच्छा, वो टेबल मोड भी लेना पड़ेगा सर उसको? नहीं, वो टेबल मोड में होता है, वो टेबल क्रिएट हो जाता है, इसलिए जब एक नीचे आपने कर लिया तो दूसरा टेबल आ गया, उसके नीचे तीसरा टेबल आ गया। तो उस एरर को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर?
उसके लिए आपको मतलब कि आप जो डेटा वन बाय वन करते हो वो भी गलत है, क्योंकि आपका सीएसवी फाइल अगर फाइल वन अगर अपडेट हुआ तो फाइल टू को ओवरराइट कर देगा। जी जैसे आप जो कर रहे हो तरीका गलत है। जैसे आपने वन टू थ्री आपने फाइल वन से डेटा लिया जो कि तीन तीन नोड तक है और इसका एक अलग टेबल जनरेट हो गया। जी 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 अब दूसरे फाइल से आपने डेटा ले लिया जो कि है फोर फाइव सिक्स, जी 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 फोर फाइव सिक्स का अलग टेबल हो गया। जी टेबल होता है ना इंसर्ट टेबल, ये जो टेबल, ठीक है जी, ठीक है तो अगर आप यहाँ से कंट्रोल एंड करेंगे तो टेबल टेबल जब टेबल होता है तो टेबल के अकॉर्डिंग चलता है, फिर वो हाँ, वो इंटर टेबल के अकॉर्डिंग चलेगा सर। बोला मेथड वर्क नहीं करता। जब इंटर मारेंगे तो ये पहला टेबल का एंड चला जाएगा। जी। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपकी सीएसवी फाइल अपडेट हुई उसमें कोई रो या वगैरह ऐड हो गया तो आपकी इसको ओवरराइट कर देगा, ओवरराइट लाइक सर, रीड कर देगा। जैसे मान लीजिए ना कि सात नंबर फाइल वन की फाइल वन में सेवन नंबर ऐड हो गया, आपने जी इस किया ये फोर आपका गायब होकर सेवन हो जाएगा। जी जी समझ गया ना? ऐसा नहीं जी फोर सबसे लास्ट में यहाँ आए, वो सेवन जो सबसे लास्ट में यहाँ आ जाएगा, नहीं। तो इसका सर सही मेथड कैसे इसका करें सही सर इसको? मेथड ये है, आपके सारे फाइल सेम फॉर्मेट में है, हाँ, सारा सीएसबी सेम फॉर्मेट में है सर। एक फोल्डर में उसको रख लीजिए। एक जी, होता है फ्रॉम फोल्डर, फ्रॉम फाइल फोल्डर, ठीक ठीक है है ना? जी जी इसको एक बार आप रिसर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा लंबा टॉपिक है। इससे जी सारे जी फाइल को कंसोलिडेट करके एक में डाल देगा, कंसोलिडेट करके एक में डाल देगा। बार बार आपको लगाने का झंझट भी नहीं होगा। जैसे आपको 10 फाइलें हैं तो 10 इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार इंपोर्ट कर लेगा 10 फाइल। मतलब सर वो जो फाइल अलग अलग लोकेशन में पड़ी है उसको एक लोकेशन में लाना पड़ेगा। एक फोल्डर में लाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ चलिए सर, उसके लिए अभी मैं डॉस का यूज कर लेता, जब बहुत ज्यादा हो जाता था तो डॉस का यूज कर लेता था। अभी ये भी सही तरीका आपने बताया है, थैंक ठीक। यू सर। तो हम सिलेक्शन पे आते हैं। तो एक तरीका और, हम लोग जब पास बहुत डेटा होता था और बीच में बहुत सारे ब्लैंक्स है, क्योंकि ब्लैंक्स होने पे क्या होता है कि हम डायरेक्ट एंड में नहीं जा पाते थे, यहाँ नहीं आ पाते थे, क्योंकि जी करना पड़ता था वन बाय वन। जैसे कि आपने एक बार एरो की किया यहाँ पहुंचा, फिर दोबारा किया तो यहाँ पहुंचा, फिर दोबारा किया, फिर चौथा किया, तो काफी इटरेशन बहुत ज्यादा थे, ब्लैंक होते थे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि एड्रेस बार में जाते थे, 65,000 यहाँ टाइप करके एंटर प्रेस करते थे और सबसे नीचे हम आ जाते थे। आगे 65,000 या 10 लाख एक बड़ी अमाउंट ऑफ रो हम यहाँ डाल देते थे। अब यहाँ से कंट्रोल के साथ अप एरो इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर पहुंच जाते हैं। रवि जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, लग रहा है आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक आपने माइक। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या सर हाँ सर, आपकी? आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सर बहुत दूर, 1-2 किलोमीटर दूर से बोल रहा है। सर ऐसा तो नहीं, सर ने फोन फोन से कनेक्ट किया हो जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है? तो से तो और अच्छा, मैंने फोन से सर सेटिंग्स का पता नहीं लग हमने पाता इसके था ऊपर कर, ये जो तो ये मेथड भी अच्छा है, इसका यूज हम लोग यूवी भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब इसमें आगे जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कर्सर है, आपने होम पे इस रो के सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा और एंड करके एंटर प्रेस कर दिया तो सबसे लास्ट वाले। ध्यान रखिए बगैर कंट्रोल के साथ, देखिए आप अगर यहां से कंट्रोल एंड करते हैं तो सबसे लास्ट में आ जाते हैं, आगे लास्ट में कंट्रोल होम करते हैं सबसे ऊपर आ जाते हैं, सबसे स्टार्टिंग पे डेटा आ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं यहां हूं और एंड एंड के साथ एंड किया और एंटर प्रेस कर दिया, या फिर राइट एरो को भी एरो यूज किया, उस रो एंड कॉलम के लास्ट में पहुंच जाएंगे और होम अगर प्रेस करते हैं तो उसी रो के पहले वाले पार्ट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आता है मल्टीपल सिलेक्शन। जैसे मुझे बहुत सारे मल्टीपल पार्ट सेल्फ सिलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल प्रेस रहेगा तो आप यहां सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल। ओके
लेकिन इस पे आप बाकी चीजें कर सकते हैं, कुछ भी चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे सबको 50 करना है तो मैं यहाँ पे 50 लिखूंगा। अब नॉर्मल एंड पे भी मारूंगा, नॉर्मल एंड पे मारेंगे तो कर्सर जो है अगली सेल में यहाँ पहुंच जाएगा। हम यहाँ कंट्रोल एंटर मारते हैं, जितना भी सिलेक्टेड है सब पे 50 हो जाएगा। हो गया सर जी? जी क्या होता है कि आप एक एरिया सेलेक्ट करने के बाद कुछ भी टाइप करते हैं, एंटर मारते हैं, कर्सर नीचे जाता है। लेकिन अब मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं तो वो कॉपी करके पूरा सिलेक्टेड एरिया में डाल देता है। तो इसका इस्तेमाल यहां आप कर सकते हैं। लेकिन आपको मल्टीपल सिलेक्ट आपने किया उसको कॉपी करना चाहते क्योंकि तो कॉपी की कुछ रूल्स है इसमें मल्टीपल सेल्स में। आपने नॉर्मल सेल सिलेक्ट किया है तो आप कॉपी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने जब मल्टीपल सेल्स सिलेक्ट किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे A1 किया, फिर C1 किया, F1 किया, अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं A4 करूंगा, मैं कॉपी, मुझे कॉपी करने के लिए मुझे C4 को भी और F4 को भी, जो ऊपर सिलेक्ट है और नीचे भी सिलेक्ट होना चाहिए, मतलब सेम सीक्वेंस और सेम सीरीज में जितने भी रो एंड कॉलम है वो सिलेक्ट है तो आपका कॉपी हो सकता है, अदरवाइज कॉपी नहीं हो सकता है। ठीक है सर? ठीक है ठीक है। कॉपी अलग अलग है पर कॉपी करके जब पेस्ट करेंगे तो इकट्ठा एक जगह पे पेस्ट होगा। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है सर, जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, और एक सिलेक्शन में होता है जैसे A से लेके 4 कर लिया और फिर वापस C से लेके हमने 4 कर लिया तो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ A से लेके 4 करेंगे और हमने यहाँ पे C से लेके 3 कर दिया, सॉरी माफ कीजिएगा गलत हो गया, हाँ C से लेके 3 कर दिया और फिर वापस हम इसको 4 कर दिया, आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टेड है बट कॉपी नहीं हो रहा है। बात समझ में आया सर? क्योंकि A से लेके 4 तक कंटिन्यू है बट A से लेके 3 तक कंटिन्यू है और 4 हमने बाद में डाला है। मतलब सिलेक्शन तो पूरा सीरीज है बट कंटिन्यूसी नहीं है, तो यहां भी आप कॉपी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्रेस करके वापस नीचे से ऊपर सेलेक्ट करना होगा इसको, इस तरह से वापस सेलेक्ट कीजिए। और मान लीजिए आपने सिलेक्शन किया हुआ, आपने देखा कि वो 75 गलती से सिलेक्ट हो गया, तो इसको हटाने के लिए वापस कंट्रोल के साथ इसमें क्लिक कीजिए, हट जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके करना पड़ेगा ना सर? जी हाँ जी हाँ, मतलब एक बार आपने क्लिक किया तो सिलेक्ट होगा, अगेन उस पर क्लिक किया तो डिसलेक्ट होगा, सिलेक्ट डिसलेक्ट। ओके सर? और सेम इसी तरह से मल्टीपल शीट्स में भी होता है, हम यहाँ पे कई सारे शीट्स को सिलेक्ट कर दें तो यहां हम कंट्रोल के साथ यहां इसको सिलेक्ट कर लेते हैं या शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक, तो पूरे के पूरे शीट सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो हर एक शीट पे टाइप होगा, जितने भी शीट है सारे शीट पे टाइप होगा, सेम लोकेशन। ओके सर? ये थी हमारी सिलेक्शन मेथड, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए।